तहलका न्यूज़। कोरोना महामारी के इस दौर में अगर वाकई में कोई असली सम्मान के लायक है तो वो है ये हमारे नगर पालिका के कर्मचारी, जो वाकई में कोरोना वॉरियर का फर्ज निभा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में चिलचिलाती गर्मी में जान और भूख की प्यास और परवाह किए बगैर पसीने में तर बतर पीपीई किट पहनकर शवों का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगातार ऐसे ही कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार करवाते हैं। दोपहर में जलती हुई चिता के पास 80 डिग्री तक का तापमान होता है, लेकिन फिर भी परवाह किसे है, बस काम करने का जुनून है। ऐसी गर्मी में यदि कोई व्यक्ति धूप में खड़ा रहे तो चक्कर खाकर गिर जाएगा, लेकिन इसी गर्मी में ये नगर पालिका कर्मचारी अपने काम को अंजाम देते हैं, इसलिए हम इन्हें कर्मचारी ना कहकर कोरोना योद्धा ही कहेंगे। 80 डिग्री तापमान महत्व है और 40 डिग्री ये है, पर क्या करें, किट पहननी पड़ती है, जो सरकार के नियम गाइड्स है वो करने पड़ेगी। सुबह आते हैं टिफिन लेके, कई बार तो मान लो लगातार टिफिन ही खाने नहीं खाते हम, इतनी डेड बॉडी आती हैं, क्या करें, संस्कार हो रहे हैं। ये हमने तो देश के साथ खड़े हैं, हम अपने पीएम सीएम और विधायक जी के साथ है तन मन से, क्या करें। जो जो हम तो ये कहते हैं कि परमात्मा ऐसा ना करे, ये देश के लिए हम अपने पूरे तन मन से साथ हैं। तो लोग घर जाते हैं, किस तरह बातचीत कैसे हो रही है? बस फोन पे ही हो रही जी। कैसे करते हैं? फोन पे ही राजू कुछ पूछ लेते हैं, बस बच्चों के साथ बात कर लेते हैं। कितने दिनों के बच्चों से नहीं मिले परिवार? दो तीन महीने से लगातार संपर्क में कट हुआ है, बस फोन से बात होते हैं। इतनी गर्मी में पीपीई किट पहने इन कोरोना योद्धाओं के सिर का पसीना भी शरीर से होता हुआ जूतों में पहुंच जाता है। अभी एक शव की चिता जलाकर किट निकालते हैं कि एम्बुलेंस दूसरा शव लेकर पहुंच जाती है। रोजाना घर से माँ या पत्नी लंच बॉक्स तैयार करके देती तो है, लेकिन शवों के लिए चिताएं तैयार करते हुए खाने का समय ही नहीं मिलता। तापमान के बारे में ऐसा जी, इतनी गर्मी होती है, क्या करें, ये डालनी पड़ती है, क्यों इसके वजह से भी कोई दूसरा और नहीं, हमको जाना ये वर्दी पहने तो किसी और को भी ना ये हो, इसलिए इस चक्कर में हम गर्मी के अंदर ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हम तो ये परमात्मा से ये दुआ करते हैं भी परमात्मा आगे ये काम ना होए, भी परमात्मा सुख शांति दे सबको, भी ये आगे कोरोना वाला चिंता तो कहीं आप लोगों को भी रहती होगी, टेंशन तो सारा दिन आप लोगों को भी रहती होगी। चिंता तो रहती है, क्या करें सर, पर वही बात है, हमने तो सारा देखना पड़ेगा, क्या करें अभी, अब जो ड्यूटी है जो भी है, हम दोनों सोच रहे समाज कार्य जो भी है, अपनी भलाई के सारी सदस्य के भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं जी। सरकार से कोई मदद की, कोई किसी चीज़ की कोई गुजारिश? नहीं नहीं नहीं, कोई सरकार हमारे लिए, हमारे विधायक मैडम चेयरमैन सब हमारे साथ खड़े हैं, कोई ऐसी वो नहीं है जी। ये नगर परिषद के कर्मचारी सच में असली सम्मान के हकदार हैं। सलाम है ऐसे कोरोना योद्धाओं को, जो अपनी जान को खतरे में डालकर समाज के लिए ऐसा मानवता भरा काम कर रहे हैं। प्रथम तहलका की टीम अपने सभी ऐसे कोरोना योद्धाओं का दिल से सलाम करती है। प्रथम तहलका के लिए कुरुक्षेत्र से परवीन कुमार की रिपोर्ट।